वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जो हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। आज का मेरा लेक्चर का हेडिंग जो मैंने रखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनके बारे में, हाई कमीशन किसे कहते हैं, अम्बेसडर किसे कहते हैं, हाई कमीशन उच्चायुक्त, अम्बेसडर राजदूत, इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस क्या है, वीज़ा क्या है, पासपोर्ट एम्बेसी किसको कहते हैं, डिप्लोमेट किसको कहते हैं, कंसुलेट किसको कहते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल क्या है, ठीक है, एक अमेरिका एक वीज़ा देता है, यूएसए जो देता है वीज़ा, H1B वीज़ा, ये वीज़ा क्या है और किन लोगों को मिलता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस लेक्चर में देने वाले हैं, तो पेशेंस रखें, लेक्चर को पूरा सुने। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज की, ये कब और किन परिस्थिति में बने। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है, आप कह सकते हैं कि कभी ना कभी ये ब्रिटेन के कॉलोनी रहे थे, आम बोलचाल की भाषा में बोले तो ये कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। तो आज कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज है उसके सदस्यों की संख्या 54 है, 54 है, 54 जो है कंट्रीज हैं जो इसके अभी सदस्य है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिसके बारे में आपको बाद में बताने वाले हैं। जैसे कि आप मैप में यहाँ देख पा रहे हैं, जितने भी रेड से आप देख रहे हैं ना, ये सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। अच्छा, इन्होंने बनाया क्यों? तो ये बनाया इसलिए कि जब धीरे धीरे ये, पहले तो ब्रिटेन के ये कॉलोनी थे, जैसे जैसे ये जो है आज़ाद होते गए तो उन्होंने मिलकर आपसी कल्चर को एक साथ करने के लिए, आपसी संबंध अच्छा रखने के लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ बनाया, ठीक है, 1931 से 1949 के बीच। ये तो आप समझ गए होंगे कॉमनवेल्थ क्या है। अब देखिएगा, इसमें भी दो ग्रुप हैं। 16 देशों की एक ग्रुप है जो आज भी ये मानती है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इनकी भी महारानी है, भले ये देश उनको कोई पावर नहीं दिए हैं बट इनको इज्जत जो है, रिस्पेक्ट जो है, महारानी वाला ही देते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन एक राइज हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा बट क्वेश्चन कहीं पूछा गया था कि जो है ऑस्ट्रेलिया की महारानी कौन है, तो इसका आंसर होगा एलिजाबेथ द्वितीय, क्योंकि ये मानते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है जो ये मानता है आज भी कि जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ही उनकी भी महारानी है। अब ये समझिए कि हाई कमीशन और अम्बेसडर क्या है। हाई कमीशन उच्चायुक्त हो गए, अम्बेसडर राजदूत हो गए। तो हाई कमीशन और अम्बेसडर में डिफरेंट फर्क क्या है, सबसे पहले समझिए हाई कमीशन किसको कहते हैं। जो कॉमनवेल्थ आप देख रहे हैं कंट्रीज, इस कंट्रीज की ये 54 है, इनके कोई अधिकारी, सपोज कीजिए भारत का कोई अधिकारी ऑस्ट्रेलिया में बैठता है, ऑस्ट्रेलिया का कोई अधिकारी भारत में बैठता है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम हाई कमीशन। अगर कॉमनवेल्थ का कोई भी कंट्रीज, अगर दूसरे कंट्रीज में उसके अधिकारी बैठते हैं, अधिकारी तो उसके होते हैं पर बैठते हैं दूसरे देश में, तो उनको हम क्या कहते हैं, हाई कमीशन कहते हैं। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि इसका जो है चुनाव कैसे होता है। तो इसके लिए आपको जो है UPSC एग्जाम में अच्छी रैंकिंग आनी चाहिए, प्लस आप एलिजिबल हों IFS इंडियन फॉरनर सर्विस के लिए, तो आपको फिर वो जो है आप हाई कमीशन बना के भेजे जाते हैं, जहां जिस देश में रिक्वायर्ड होता है वहां आपको आप भेजे जाते हैं। अम्बेसडर देखिएगा, आप जो सपोज कीजिए कि जो देश कॉमनवेल्थ का नहीं है, जैसे चाइना नहीं है, ठीक है, तो चाइना नहीं है, तो चाइना का कोई अधिकारी अगर भारत में बैठता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अम्बेसडर कहेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर भारत का अधिकारी चाइना में जाकर बैठता है तो क्या कहलाएगा, वो हाई कमीशन कहलाएगा। इसको समझना है, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। उसी तरह अगर कोई जो है पाकिस्तान का कोई अधिकारी इंडिया में बैठता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई कमीशन, और इंडिया के कोई अधिकारी पाकिस्तान में बैठता है तो उसको भी हाई कमीशन कहेंगे। अब जान लेते हैं इनके पावर के बारे में। तो देखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1961 में एक समझौता हुआ, बहुत सारे देशों ने उस पर भाग लिया था, उसमें इस बात पर जो है चर्चा किया गया कि सपोज कीजिए कि दो देशों में युद्ध हो जाता है तो फिर जो उनके हमारे जो हाई कमीशन बैठे हैं वहां, उस देश के यहां बैठे हैं, तो फिर उनका क्या होगा, यहाँ के जो है गुस्से के शिकार जो है उस देश के हाई कमीशन होंगे, और इस देश के हाई कमीशन के गुस्से के शिकार उस देश के हाई कमीशन होंगे या फिर राजदूत होंगे। तो इस पर ये कहा गया कि जिस देश में बैठेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी अधिकारी, ऑस्ट्रेलिया का कोई अधिकारी भारत में है और भारत का कोई अधिकारी ऑस्ट्रेलिया में है, हाई कमीशन है, तो भारत की कोई पुलिस
ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, ना उनको हथकड़ी पहना सकती है, ना उनको गिरफ्तार कर सकती है, ना उन पर केस चल सकता है। उसी तरह इसके विपरीत अगर भारत के कोई अधिकारी जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान सरकार उनको कुछ नहीं कर सकती है, ना गिरफ्तार कर सकती है। एक तरह से ये मान लीजिए आप कि जो हमारे हाई कमीशन जहां बैठते हैं वो उस देश का होता है। सपोज कीजिए कि भारत के जो है हाई कमीशन अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो जो बिल्डिंग पर हमारे भारत का झंडा होगा और उसमें प्रधानमंत्री भी चाहे तो बिना उनके परमिशन के उस हाई कमीशन के जो उसका जो ऑफिस होता है उसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा पावर है इन लोगों के साथ, इन लोगों को दिया गया है वियना समझौता के तहत, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, उसकी राजधानी का नाम है वियना, वहीं पर ये समझौता हुआ था, इसलिए ये वियना समझौता के नाम से फेमस है, 1961 में ये हुआ था। तो आप समझ ही गए होंगे कितना बड़ा पावर इनको दे दिया गया है, ठीक है। उसी तरह तो इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब इन पर कार्रवाई कौन करेगा? तो इंटरपोल करेगा। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। अभी बनता कैसे है? तो सब देश की पुलिस मिलकर इंटरपोल बनती है, ठीक है। अब देखिए इंटरपोल का जो काम, ये दो तरह के, सपोज कीजिए कि हमारे हमारे देश में कि कोई आदमी अगर कोई क्राइम करके बिहार से बंगाल भाग गया या बंगाल से बिहार भाग गया, तो वो पुलिस क्या करती है? गिरफ्तार करके उसको, बिहार का अगर क्राइम करके भागा है तो बंगाल पुलिस गिरफ्तार करके बिहार को देती है, और बंगाल का है तो बिहार पुलिस गिरफ्तार करके बंगाल को देती है, तो ये हो जाता है। लेकिन अगर क्या हो, जब देश छोड़ के भाग गया तब क्या कीजिएगा? ऐसे में माने कोई किसी कोई गंभीर क्राइम किया, भाग गया देश छोड़ के, तब फिर उस पर कार्रवाई करती है इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस। ये दो तरह के नोटिस जारी करती है, मेरे पास है आपको दिखाने वाले नोटिस भी। रेड कॉर्नर नोटिस, माने कॉर्नर पर क्या होता है, रेड बना होता है, और एक होता है येलो कॉर्नर नोटिस। तो रेड कॉर्नर नोटिस, जैसे कोई गंभीर क्राइम किया, मर्डर किया, बहुत कोई गंभीर क्राइम करके विदेश भाग गया, इंटरनेशनल पुलिस उसको पकड़ेगी, उस पर कार्रवाई होगा। तो उसके लिए कौन सा नोटिस जारी करेगा? उसको रेड कॉर्नर। अगर कोई मान लिया कोई आदमी है कहीं गया घूमने के लिए और वो नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको ढूंढा कैसे जाएगा? तो फिर उसको इंटरनेशनल पुलिस उसको ढूंढती है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उसको ढूंढती है। तो उसके लिए येलो कॉर्नर नोटिस, मतलब नोटिस कॉर्नर पर येलो बना होता है, ठीक है। तो येलो कॉर्नर नोटिस जारी की जाती है। अब बात करते हैं वीजा की। आपको पता है कि वीजा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हैं, आपके पास पासपोर्ट है, सपोज कीजिए कि आप कोई आदमी भारत से अमेरिका जाना चाहता है, तो भारत ने उसको परमिशन दे दिया, उसके पास पासपोर्ट है, लेकिन आपको अमेरिका से भी तो पूछना होगा कि वो उनको बुलाना चाहता है कि नहीं। ऐसे में आपको वीजा लेना पड़ता है। अगर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो वीजा आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा लेना चाहें तो तुरंत मिल जाता है, ठीक है। यहां तक आप जो टूरिस्ट वीजा चाहिए तो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। आप जाके घूम सकते हैं, भारत में कोई घूमने आना चाहता है जा सकता है, अमेरिका कोई जाना चाहता है जा सकता है, ठीक है, चाइना जाना सकता है जा सकता है, मतलब जो भी जिन देशों से अच्छे संबंध हैं उनके लिए तो वीजा ऑन अराइवल है। एयरपोर्ट पर आप आ जाइए, वहां से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है, आप वीजा इशू कीजिए, तो हैंड टू हैंड वीजा मिल जाता है, उसको कहते हैं वीजा ऑन अराइवल, ठीक है, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। अच्छा एक और बात, अमेरिका एक और बात है चर्चा का, अमेरिका एक और वीजा आपको देता था H-1B वीजा, ठीक है। तो ये वीजा है क्या? देखिएगा ये वीजा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिर्फ मिलता है, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होते हैं वो इस वीजा पर जाते हैं। सपोज कीजिए कि अमेरिका में, ये अमेरिका ही सिर्फ देता है, यूएसए ही देता है। अभी आपने हाल में ही सुना होगा ये COVID-19 महामारी फैली अमेरिका में बहुत ज्यादा, तो आपने सुना होगा कि अमेरिका ने क्या किया, H-1B वीजा को कम कर दिया, इसने हटाया तो नहीं, रद्द तो नहीं किया बट कम कर दिया। इसमें होता क्या है कि वहां के जो अमेरिका के हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जाते हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो कीमत 4 लाख मांगा, और हमारे इंडिया के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं और संयम से काम लेते हैं, तो इन्होंने 3 लाख में ही 2 लाख में ही काम को कर दिया। तो यहाँ के जो होते थे इंजीनियर वो ज्यादा अमरीका में चले गए और वहां के लोग बेरोजगार होने लगे, तो अमरीकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कम कर दिया। पहले 4,000-5,000 वीजा इशू होते थे, अब उसने उसको लिमिट को कम कर दिया, 100 से भी नीचे उसको कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको समझ लीजिए वीजा जो होता है H-1B वीजा। इसका सेक्शन है 101A-15H, ठीक है। तो ये क्या किया, इसने क्या किया, इसको कम कर दिया गया, इस वीजा को जो है कम कर दिया गया, अभी कम है क्योंकि वहां बेरोजगारी फैलने लगी थी। तो आप वीजा समझ गए होंगे, वीजा आपका हो गया एक जो है जॉब के लिए वीजा होता है, वीजा ऑन अराइवल भी मैंने आपको बता दिया, टूरिस्ट वीजा बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं तब जा सकते हैं, मेडिकल अगर इमरजेंसी है तो भी आप टूरिस्ट वीजा से जा सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट आप समझिए गए होंगे, पासपोर्ट किसे कहते हैं, तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ये पहचान है दूसरे देश में जाने के लिए, कर सकते हैं। प्लस इससे आपके ट्रेवल हिस्ट्री पता चलती है कि आप किन देशों में गए, कितनी बार गए, मोहर लगता है पासपोर्ट पर, हो गया। अब हम बात करते हैं एम्बेसी की। तो जहां राजदूत बैठते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेसी कहते हैं। राजदूत जिस जगह पर बैठते हैं ऐसे उसको क्या कहेंगे हम, एम्बेसी कहेंगे, ठीक है। कॉन्सुलेट,
अब देखिएगा, अगर कोई अधिकारी, सपोज कीजिए कि कोई अधिकारी, जैसे मान लिया कि जो हाई कमीशन होते हैं या राजदूत होते हैं, जैसे इंडिया तो उसकी राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में बैठेंगे, ठीक है। इनके अलावा अगर ये अधिकारी चेन्नई, कोलकाता, मतलब बड़े बड़े मुंबई, बड़े बड़े शहरों में बैठते हैं, जब ये, इनको हम कॉन्सुलेट कहेंगे, इसमें कॉमनवेल्थ का कोई मसला नहीं है। ये चाहे राजदूत बैठे माने राजधानी को छोड़कर, या फिर हाई कमीशन बैठे, इन सबको हम क्या कहेंगे, कॉन्सुलेट कहेंगे। एक बात और समझ लीजिए, जैसे हाई कमीशन होंगे या एम्बेसडर हैं, इनके साथ और भी अधिकारी होते हैं, ये अकेले तो नहीं बैठते हैं, तो इनके साथ जो होते हैं वो सबको हम क्या करते हैं, सबको हम डिप्लोमेट कहते हैं, सारे डिप्लोमेट कहलाएंगे। हाल ही में अभी ये घटना हुई थी कि जो है कुछ डिप्लोमेट पर, ये जो है पाकिस्तान के कुछ डिप्लोमेट जो थे भारत की जासूसी कर रहे थे, तो उनको नोटिस किया गया कि आप देश छोड़ के चले जाए। देखिए कितना पावर है, ना तो हमारी पुलिस उनको गिरफ्तार की, ना कोई उन पर केस चला, ना उनको हथकड़ी लगी, हालांकि गंभीर आरोप था, लेकिन वियना समझौता के तहत उनको सिर्फ इतना कहा गया कि आप देश छोड़कर चले जाएं। और अब और जो है हमारे भारत ने यह भी कह दिया है कि भाई आप कम कीजिए, यानी जो आपके हाई कमीशन मेरे क्या बैठते हैं, हम उसको आधा कर देते हैं, और मेरे जो हाई कमीशन आपके यहाँ है उसको हम भी आधा कर लेंगे। तो ये क्या होता है, देखिए ये कम जब होंगे किसी देश में, सपोज कीजिए कि कोरिया में हमारे ना तो वहाँ हाई कमीशन हमारे नहीं है, तो मतलब जहां पर जिस देश के हाई कमीशन या एम्बेसडर नहीं बैठेंगे, कोई अधिकारी नहीं बैठते हैं, ऐसे भारत का कोई अधिकारी किसी देश में नहीं बैठेगा, वहां का कोई अधिकारी हमारे देश में नहीं बैठता है, चाहे वह हाई कमीशन या एम्बेसडर हो, तो व्यापारिक संबंध या अन्य संबंध समझिए न के बराबर उस देश से होते हैं, ठीक है, न के बराबर संबंध होते हैं। तो जिसके भी एम्बेसडर या हाई कमीशन किसी देश में नहीं बैठते हैं, समझिए वहां से उस देश को वो कोई जो है कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ना तो व्यापारिक किसी तरह का कोई कनेक्शन रिलेशन नहीं। तो आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, वीजा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। देखिएगा यही है H-1B वीजा, ठीक है, जो आपको जो है यूएसए देता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। अब देखिए हमने आपने कहा था कि कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं इनमें कुछ अपवाद हैं, जैसे देख लीजिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन ये कॉमनवेल्थ में नहीं है, ये कॉमनवेल्थ में नहीं है, ठीक है, तो ये अपराध हो गया। उसी तरह सूडान अगर बात की, तो ये पुर्तगाल का गुलाम था, ये सूडान जो की बात करते हैं, तो पुर्तगाल का गुलाम था, ये जो है ब्रिटेन का गुलाम नहीं था, फिर भी अपनी स्वेच्छा से ये कॉमनवेल्थ में है। गाम्बिया और मालदीव जो है ये इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स से ये शायद बाहर हो गए थे, फिर इन्होंने ज्वाइन किया। अब देखिए सबसे आखिर में जो 2009 में जो ज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ को, वो है रवांडा, ये सबसे आखिर में 2009 में इसने इसको ज्वाइन किया। तो ये एकता हो गई कॉमनवेल्थ की, इसमें गेम भी होते हैं, आपने सुने होंगे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, आपने जरूर सुना होगा। तीन देशों में जो गेम होता है उसको कॉमनवेल्थ कहेंगे, माने उन देशों में ही एक दूसरे देश में एक गेम होता है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के सदस्य हैं, ठीक है, तो वो कॉमनवेल्थ गेम का भी आप नाम जरूर सुने होंगे। हम आपको बता देते हैं उन कंट्रीज के नाम भी आपको हम दिखाने वाले हैं सीजन की, जो जो कॉमनवेल्थ में है। ये 54 कंट्रीज के नाम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंटरपोल का लोगो था, मेरा पासपोर्ट हो गया, देखिएगा तो ये कंट्रीज के नाम मैंने आपके यहाँ मेंशन कर दिए, काफी मेहनत से इसको मैंने मेंशन किया है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ये जानना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिविल से है, प्लेटफॉर्म आपका सिविल है, कोई बात नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपका, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए जो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये आपको 40 जो है 54 कंट्रीज के नाम है, देखिए यहाँ जो आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है, ठीक है, टोटल, और यही आपके जो देखेगा वांटेड है, ये नोटिस है, इसका नाम पहचान को मैंने छुपा दिया है, इनकी नोटिस भी होती है, उसको नोटिस को हमने जानबूझ के आपको नहीं दिखाया है, यहाँ पर कॉर्नर पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर रेड बना होगा तो वो जो है रेड कॉर्नर नोटिस होगी, और यहाँ पर येलो बना होगा तो येलो कॉर्नर नोटिस होगी, ठीक है। देखिए इनकी GDP देख लीजिए, कॉमनवेल्थ जो हमारे कंट्रीज हैं उनकी GDP यहाँ पर देश का नाम है, ठीक है, देख लीजिए। प्लस आपको जो बता दें, जो वियना समझौता हुआ था वो पूरा टोटल इस डेट को आप नोट कर लेंगे, 18 अप्रैल 1961, आपको एक ही लेक्चर में आपको जानकारी दे दे रहे हैं कि आप यहां से नोट कर लें, इसको हुआ था टोटल 18 अप्रैल 1961 को ये समझौता हुआ था। अब इस कंट्रीज जो है कॉमनवेल्थ के हमारे, उनके जो कंट्रीज के जो फ्लैग है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए कंट्रीज के फ्लैग है, आप देख पा रहे हैं सारे जो है ये फ्लैग है, अब एक और बात आपको बताते चलते हैं यहां कि कभी कभी
हाई कमीशन या अम्बेसडर ने अपने पावर का गलत दुरुपयोग भी किया है, करते हैं कभी कभी। ये कई घटनाएं हैं, एक घटना हमको याद आ रहा, आपको हम बता देते हैं। ये घटना हमारे जो है इंडिया की ही है, इसमें इटली की एक मर्चेंट नेवी था, जहाज था, जो केरल के पास आया, केरल के पास आया तो कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे, नाव पर थे, लकड़ी के नाव पर थे, और ये लोग जहाज से आ रहे थे। तो इनका ये आरोप है कि हमको ऐसा लगा कि जैसे ये जहाज को लूटने आ रहे हैं। बताइए, अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि बहुत इतने बड़े जहाज पर जो है, मर्चेंट नेवी की जहाज थी, उस पर जो है उनके क्रू मेंबर्स होंगे, उनके सुरक्षा होता है, और एक लकड़ी के नाव पर बैठ के मछुआरे आ रहे हैं, तो उनको लगा कि ये लूट रहे हैं। मतलब इन्होंने गोली चलाई और जिससे दो मछुआरे डेड कर गए, मृत्यु हुई उनकी और कई घायल हुए। तो ये गिरफ्तार हुए और इन पर केस चला। तो इन्होंने देखा कि जा इंडिया में तो बहुत लंबा लंबा मुकदमा चलता है, तो इन्होंने एक गेम खेला। इन्होंने कोर्ट पे पिटीशन दिया कि हमको जो है, क्रिसमस था शायद, क्रिसमस आने वाला था, तो हमको जाने दीजिए जमानत पर, और हम फिर जो है वो अपना त्यौहार मना के हम वापस चले आएंगे यहाँ पर। तो अब उनका जमानत कौन ले, तो जो इटली के जो हाई कमीशन थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम जमानत लेंगे, पैसा तो जो लगा होगा वो लोग दिए होंगे, बट इन्होंने जमानत लिया कि भाई ये अगर नहीं आएंगे तब हमको पकड़िएगा, हमको अरेस्ट कीजिएगा। वो जमानत पर चले गए, रिहा हो गए, चले गए, अपने देश जाने के बाद वापस नहीं आए, तो हाई कमीशन को नोटिस किया गया कि भाई आप जिसको जमानत लिए थे वो तो अभी तक आया नहीं, तो कार्रवाई आप पर होनी चाहिए। तब इन्होंने पावर याद के दिलाया, तब इन्होंने कहा कि आप हमको गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप वियना समझौता भूल गए हैं, उस समझौता के तहत आपकी पुलिस ना तो हमको गिरफ्तार कर सकती है, और वो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन थे, ना आपको गिरफ्तार कर सकती है, ना कोई आप हम पर केस चला सकते हैं। अब तो बड़ा गंभीर समस्या हो गया, उन्होंने पावर दुरुपयोग किया, पावर का दुरुपयोग किया, जबकि उनको चाहिए था कि वहां से अपने सेटलमेंट करके वहां से उनको बुलाते, ये मामला काफी हाईलाइट हुआ था। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, बट भारत देश ने भी जो है पूरी तरह और देशों के जो हेल्प से दबाव बना, प्रेशर बनाया, उनको लाके यहां पर उन पर मुकदमा चलाया गया। तो कभी कभी ये अपने पावर का दुरुपयोग भी करते हैं हाई कमीशन। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं यहां, हम आपसे उसका चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। और ये इसको आप एक और समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सबको समझ लीजिए, इसको राष्ट्रमंडल कहते हैं। आप जरूर पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो बिल्कुल पढ़े होंगे आप इसको, जो जो आपको कॉमनवेल्थ जो आपके जो है कंट्रीज है, इनको हम राष्ट्रमंडल कहते हैं, राष्ट्रमंडल के इनको हो गया हिंदी में, यहां समझ लीजिए हाई कमीशन उच्चायुक्त हो गए, एम्बेसडर आपको राजदूत हो गए, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस। तो ये घटना थी जिसमें हाई कमीशन ने अपने पावर का दुरुपयोग किया और ये याद दिलाया कि भाई जो है वियना समझौता अब भूले नहीं है। इस तरह से बहुत ऐसी देश में घटनाएं हुई हैं जो जहां पर पना दिया, कोई किसी ने मर्डर को पना दिया जो है, हाई कमीशन ने पना दे दिया, अपने क्या रख लेगा, तो वहां की पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि वियना समझौता में क्लियर है कि वहां की पुलिस वहां उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी अपने पावर का दुरुपयोग भी किए हैं, हर कोई नहीं किया है, बट कभी कभी इसका दुरुपयोग हिस्ट्री में ऐसी घटनाएं हैं। तो आप समझ गए होंगे, आई होप, आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन से हैं। अब एक सवाल है, आप देखिए कि जैसे सपोज कीजिए कि जो है अमेरिका का कोई आदमी इंडिया बैठेगा तो क्या कहलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, हाई कमीशन कहेंगे कि एम्बेसडर कहेंगे, या फिर अगर हमारे जो है कोई जो है अधिकारी अगर अमेरिका में बैठते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, हाई कमीशन कहेंगे या एम्बेसडर कहेंगे, सोचिएगा जरूर, ठीक है। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया वन बाई वन सारी चीजों को, जो पॉसिबल था इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीजों के बारे में जानकारी आपको दे दें। हाँ, एक और चीज जान लीजिए कि ये हाई कमीशन का जो हाई कमीशन या एम्बेसडर जो बैठते हैं, इनका काम क्या, इनका काम एक ये भी है, जैसे सपोज कीजिए कि आप कहीं विदेश जाते हैं, सपोज कीजिए आप अमेरिका गए, इटली गए, लंदन गए, कहीं पर भी आप गए, और जाने के बाद अगर आपको वहां गए और किसी कारण से आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो गया, तो फिर यही आपका दूतावास से संपर्क करते हैं, ठीक है, या फिर जो है आपको जो है कॉन्सुलेट का जो ऑफिस होता है उससे आप संपर्क करते हैं, और करने के बाद वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं आपके पासपोर्ट बनवाने में, या विदेश में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप अपने दूतावास से संपर्क करते हैं, और यही हाई कमीशन या एम्बेसडर की जो ऑफिस होती है जो पूरी आपकी हेल्प करती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि विदेश में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने दूतावास से आप संपर्क कर सकते हैं आपका देश का जो है, और वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं, जो भी आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको उस देश में होती है, तो आपके जो जैसे इंडिया का कोई अधिकारी इटली में बैठे होंगे और इटली में आप गए, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपके पासपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप अपने दूतावास से संपर्क कर सकते हैं और वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। जहाँ पासपोर्ट को बनने में यहाँ 2-3 महीने का समय लगता है, टाइम लगता है, वहाँ आपको पासपोर्ट 2 दिन के अंदर में इलो बना के देते हैं, इतना पावर होता है पास। तो ये चीज भी आपको जानना जरूरी था, इसलिए हमने इस चीज को अभी आपको बता दिया कि इनसे आप संपर्क कर सकते हैं विदेश में, या आपके अपने होते कोई भी अधिकारी, चाइना का कोई अधिकारी अगर इंडिया में बैठा हुआ है तो चाइना के कोई आदमी को प्रॉब्लम होगी तो जाके अपने दूतावास से संपर्क करेगा, या फिर हमारे जो है चाइना में कोई है
और उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने दूतावास में जाकर संपर्क करेगा, उसको सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि मेरे इस लेक्चर से आपको बेनिफिट हुआ होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना करें। तो जो है मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।